की टेस्टी भजी है, सुपर टेस्टी भजी, देखिए सुपर भजी एकदम। हेलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, और वो भी बनाने वाले हैं दो दो रेसिपी, जो कि है, पहली है एकदम गर्मा गर्म, जो हाईवे पे मिलती है और जो ढाबे में मिलती है ना कि भाई हाईवे पे और ढाबे पे एकदम कड़क चाय रखती है। और चाय, चाय तो हिंदुस्तान की शान है, क्योंकि हर जगह सब लोग अलग अलग प्रकार की चाय पीते हैं, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि ब्लैक टी है, अलग अलग गुड़ की चाय है, चीनी की चाय है, बहुत अलग अलग चाय है। और देश में चाय ना वैसा हो सकता है कि भाई कौन से देश में चाय नहीं है, ये बोलिए आप। देश की शान चाय है। आज वही रेसिपी बताने वाले हैं आपको, चाय की रेसिपी, एकदम सिंपल सी और एकदम कड़क, जैसा केप भाई के स्टाइल में केप भाई बनाता है ना, तो जो भी बीमार हो ना एकदम वाह, एकदम केप भाई बहुत ज़बरदस्त चाय बनाता है। आपको उनको दिखा नहीं आता, जो मैं गा जाता हूँ, जो चाय पीते हैं तो मिस करते हैं अपन, जैसे अपन ढाबे पे जाते हैं या गांव जाएंगे जो भी चाय मिलते हैं वैसी टेस्ट नहीं आती घर पे, देखा जाओ तो। लेकिन अपन उसको कैसा बनाना, कितने बनाने, क्या क्या लगेगा, कुछ लगता तो नहीं, एकदम आसान चीज़ है। और साथ में बनाने वाले गर्मा गर्म बटाटा भजी। अब चाय ना हो, भजी ना हो तो क्या हो, चाय के साथ भजी तो लगेगी, तो भजी भी आपको बना के दिखा देंगे आज, कुरकुरीद, और एकदम बटाटे की कुरकुरीद भजी, क्योंकि किसकी ना ऐसा फ्राई कर दिए तो नरम हो जाती है भजी, आज नहीं होगी, आपको टीस भी मिलेंगी और गर्मा गर्म चाय भी मिलेगी। तो आज की रेसिपी शुरुआत करते हैं। आज की रेसिपी नया है तो चैनल पर लाइक करेगा और शेयर भी करिएगा, और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करिएगा, रेड बटन दबा दीजिएगा रेड बटन, और सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, और ऑल पे करके बेल आइकन को क्लिक। शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार रेसिपी को, जो है हिंदुस्तान की शान, आज बनने वाली हमारी चाय। आपको ना पहले से मैं काट के रख दिया, लेकिन आपको एक बताता हूँ सैंपल, एकदम ना पतला पतला काटना है, जब पतला पतला कटेगा ना आलू के पकोड़े ना बहुत जबरदस्त बनने वाले। आलू के पकोड़े की यही खास बात है, जो स्लाइसेस होते हैं ना वो पतले होने चाहिए, तो क्रंची होते हैं आलू के पकोड़े, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैं काट के रख दिया हूँ आपके लिए, काट के बताता हूँ आपको मैं हमारे आलू के पकौड़े। देखिए इस तरीके से ये कट गए, ओके, सिंपल सा है वो तो सबको आता है, लेकिन पतले स्लाइस काट देना, अरे इधर आ गया ये तो। तो ये सारे आलू काट के हो गए, पतले पतले स्लाइसेस कर दिए हमने बहुत अच्छे से, अभी आलू हो गए हैं। अभी जैसे हम लोग चने का आटा ले लेंगे, चने का आटा लेने के बाद इसमें डाल देना है कुछ मसाले, उसमें डालेगा हल्दी पाउडर, और डाल देंगे जीरा डाल देंगे, और डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, और इसमें डाल देना है चना पाउडर। ये कुछ ऐसे मसाले हैं जो भजी की शान बढ़ा देते हैं। ये मसाले डाल के इसको अच्छे से हिला लेना है, और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आपके हिसाब से डाल देना, आप जितने क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं भजी उतना आप डाल सकते हैं, नमक आपको हिसाब से डाल देना है स्वाद अनुसार। और इसमें डाल देंगे स्पाइसी भजी करने के लिए मिर्ची पाउडर, डाल देना आप इस पर, स्पाइसी हो जाएंगी भजी और अपनी। और इसमें डाल देंगे कोथमीर गार्निशिंग, और फिर इसको तो अभी ना इसको मिक्स करके ले लेंगे आटे को, आपको अच्छे से जो लम्स है ना वो निकालने में, अगर लम्स रह जाएंगे फिर भजी नहीं बन पाएंगे, आपको ये लम्स जो है वो सब तोड़ना है, और अच्छे तरीके से बना लेना है हमारी कांदा है सॉरी आलू के पकौड़े। बटाटा भजी ना, आलू के पकौड़े अच्छे से हिला लेंगे। अभी ना इसमें पानी डालते रहेंगे, हल्का हल्का पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, हिलाते हिलाते पानी डाल देना है इसको। तो
पानी डालते हैं और बैटर स्मूथी बन जाएगा। देखिए कितना ऐसे लम्स तोड़ देने आपको, आप इससे भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ना इसको चाय बनाने के लिए तो अभी हमें टोप रख देंगे और इसमें डाल देंगे पानी। आप जितनी चाय बना रहे उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी डाल देंगे और अब पानी डालने के बाद इसमें डाल देंगे शक्कर, मतलब शुगर। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, क्योंकि किसको मीठा नहीं खाना होता है, ज़्यादा चाय नहीं पीनी होती है, तो आप कम भी डाल सकते हैं। लेकिन हम अभी शक्कर डाल देंगे। अब इस पे डाल देना है चाय पत्ती, हमारी चाय पत्ती आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप जितना कड़क खारा चाय पीना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। कड़क चाय बननी चाहिए, इसके लिए हम भी ज़्यादा डालेंगे थोड़ी चाय पत्ती, तो कड़क चाय बनी है हमारी। अब ना इसमें कुछ खड़े गरम मसाला डाल देंगे, सॉरी चाय अच्छी बनने के लिए, जैसे कि दालचीनी लगती है चाय अच्छी बनने, लौंग लगती है, लौंग से चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और हमारी जब चाय पीते हैं तो किसकी टेस्ट आती है गाइस, इलायची। तब इसमें डाल देंगे हम लोग इलायची। अब डाल दिए हमने इलायची। अभी जो ये मसाले लिए ना, अब ये चाय में डाल देंगे, जैसे कि लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ये सब हम चाय में डाल देंगे। ऑल डाल देना है। अभी देखिए इसमें डाल देंगे ये मसाले, तो डाल दिया हमने ये मसाले। और चाय को उबलने देना है, चाय और पकड़ी अभी भी अच्छे तरीके से पका के लेना है, पूरा मसाले का टेस्ट अंदर आना चाहिए ना चाय में। अब चाय पकने के बाद जो इसमें डलने वाला है वो है दूध। आपको दूध को ना गर्म करके अच्छे से उबाल लाना है, और जो इसकी मलाई जो निकलती है ना, वाह भाई वाह, आपको इसमें दूध में चाय में डाल देना है। ओके, क्योंकि दूध गर्म होगा ना तो चाय की जो टेस्ट है ना वो स्वाद बढ़ के निखर के आएगा। ओके, देखते हैं ना आप एकदम कड़क चाय गर्म करती है जब भी होटल में तो कितनी ज़बरदस्त लगती है। तो दूध गर्म डाल देना आप। ओके चलिए, अभी चाय अपनी पक रही है, उबाल लाना है अच्छे से, जो मसाले जो हमने डाले उसका टेस्ट आना चाहिए ना, तो वो डाल देना है। चाय तो एकदम अच्छे तरीके से पक गई है, अब इसमें डाल देंगे गर्मा गर्म दूध। दूध डाल देंगे अभी। देखिए हमारा चाय का कलर कितना जबरदस्त आया, देखिए एकदम गर्मा गर्म। अभी अच्छे तरीके इसको गर्म करके लेना, एकदम उबाल लाना है आपको, इसमें उबाल आना चाहिए ना, गर्मा गर्म चाय बनेगी तो एकदम कड़क उबाल आने देना है। जब दूध का और जो मिश्रण होगा ना जबरदस्त लगता है। भजी बनाने के लिए ना तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल एकदम अच्छे से कड़क गरम हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे गर्मा गर्म हमारी आलू के पकोड़े। देखिए कितने जबरदस्त दिख रहे हैं ना, एकदम क्रंची बनाना है हमको, सुपर बनेंगे एकदम सुपर। गर्मा गर्म भजिया हमारी रेडी है। भजी एकदम हमारी रेडी है, देखिए कितने गर्मा गर्म चाय है, एकदम एकदम मसाले वाली चाय, सादी सिंपल और एकदम मसाले वाली, और साथ में देखिए भजी कितनी जबरदस्त दिख रही है, सुपर एकदम जबरदस्त।
जबरदस्त क्रंची भजी बनी एकदम, कितने जबरदस्त बनी भजी, एकदम सुपर बनी कि नहीं, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए ऐसी भजी। ये है हमारी भजी, अब टेस्ट की बताई कि भाई आपको टेस्ट करें भजी को। तो बस कैसी बने केबा भजी? अच्छी बनी, अच्छी बनी ना, तो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ भजी कैसी बनी है। एकदम सुपर दिख रही है एकदम, देखिए साथ में चाय आप जो बनाए थे ना मसाले वाली चाय है, बहुत जबरदस्त बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही जबरदस्त बनी है भजी की बच्चे मैंने, बहुत भजी स्पाइसी भी बनी है और क्रंची भी बनी है, चाय बहुत जबरदस्त बनी है एकदम मसाले वाली चाय, एकदम कड़क चाय आप भी बनाओ ऐसी बनाओ सेम चाय एकदम जैसे मिलती है ना बाहर वैसे सेम चाय बनी स्टाइल में, बहुत अच्छा आज का वीडियो हुआ और बहुत आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये भजी बटाटा भजी, आलू के पकौड़े जरूर ट्राई करिएगा, और चैनल में नया है तो लाइक करिएगा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक के ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको मैं जैसे वीडियो डालते रहूँगा आपको पहले नोटिफिकेशन आती जाएगी। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी लेकर, नए ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।